हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की अपनी इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था और बहुत इफेक्टिव भी था, इसीलिए इस प्रोडक्ट को मैंने मंगाया और इसको यूज़ किया। 1 मंथ इसको मैंने यूज़ करने के बाद तब मैं आपके साथ ये अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ। इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है स्टेप बाय स्टेप साइट चीज़ें बताई हैं, साथ ही साथ इसको यूज़ करने के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका रिजल्ट कब तक आता है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए क्योंकि मैंने एक ऑनेस्ट रिव्यू के साथ सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, इसे ये पैर मुझे ऐसे करने के लिए कम से कम 5 to 6 months लगे हैं, इतनी बुरी कंडीशन में लाने के लिए। मैंने क्या नहीं किया, पूरे नंगे पैर चला, कभी भी स्लीपर तक नहीं डाले। आप देख सकते हैं मैंने कब ऑर्डर किया था, 9 मई 2024 में इसको ऑर्डर किया और मैं अब जाके इसका रिव्यू कर रही हूँ और ऐसे पैर इस कंडीशन में मेरे होकर आए हैं। वैसे सही बताऊं गाइस, हम में से बहुत सारे लोग नंगे पैर घरों में चलते हैं, नंगे पैर चलने की वजह से पैर बहुत फटते हैं, किसी के बहुत ज्यादा फटते हैं, किसी के थोड़ा कम फटते हैं, बट फटते सबके हैं। और मेरी ऐसे कंडीशन लाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, 6 से 7 महीने का, और मिट्टी में भी चलना पड़ता है, तब ऐसे जाके इतने बुरी तरीके से फटते हैं। फिलहाल चलते हैं और देखते हैं। देखिए रिजल्ट तो देखिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट, एकदम न्यू स्किन आती है इसका रिजल्ट एक्चुअली, और देख लीजिए बेहतरीन सा रिजल्ट आता है। स्किन जितनी भी डेड स्किन होती है, गंदी स्किन होती है, सब निकल जाती है और ब्यूटीफुल सा बीबी जैसा सॉफ्ट आपको मालूम देता है आपका पैर। आप खुद ही रिजल्ट देख लीजिए, वो पैर और इस पैर में कितना डिफरेंस है आप देख रहे हैं। स्किन काफी स्मूथ है, सॉफ्ट है, हल्का हल्का सा रह गया है वो भी थोड़ी जो स्किन पील नहीं हुई है, बाकी सारी स्किन अच्छे से निकल जाती है, सॉफ्ट स्किन निकल के आती है बेसिकली। तो देखिए रिजल्ट तो काफी कमाल का और अमेजिंग सा आता है, पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको यूज कैसे करना है और क्या क्या स्टेप को ध्यान रखना है, वो सारी चीजें आगे वीडियो मैंने बताई हुई, तो इसको ध्यान से सुनिए और देखिएगा जरूर। फिलहाल देखिए हमारे फीट हैं जो बहुत ज्यादा ड्राई और बहुत ज्यादा क्रैक्ड है, मतलब बहुत ज्यादा एड़ी हमारी फटी हुई है और बहुत ज्यादा डेड स्किन है, हम देख सकते हैं आप। और इसी पे हमने अपने प्रोडक्ट को ट्राई किया और कैसे किया ट्राई वो आगे वीडियो में बताऊंगी, पर उससे पहले कर लेते हैं छोटी सी अनबॉक्सिंग और देख लेते हैं उस पैकेट के अंदर क्या क्या चीजें आती है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। ये रहा हमारा प्रोडक्ट जिसको मैंने अमेजोन की साइट से मंगाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है सारी चीज में ऑलरेडी मेंशनड है, पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आगे वीडियो में डिटेल में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज। एंड साथ साथ मैंने इसके साथ मंगाया है कुछ हाइड्रेटिंग ग्लव्स एंड साथ साथ फीट के लिए मंगाया है फीट सॉक्स जो हाइड्रेट करता है आपके फीट को। एंड आप सेम ब्रांड का भी मंगा सकते हैं, इसी सेम ब्रांड का जिसका नाम है लग्जा ड्रम, और इसके हाइड्रेटिंग सॉक्स भी आते हैं और हाइड्रेटिंग ग्लव्स भी आता है, तो आप इजिली अमेजोन पर आके क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से भी क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं तीनों चीजें। ओके देन देखिए यहाँ पे मेरे पास ये हाइड्रेटिंग ग्लव्स है और ये हाइड्रेटिंग फीट के लिए मैंने मंगाया है अपने फुट के लिए। ठीक अभी तो फिलहाल मेरे पास ये था तो मैं इसका यूज कर रही हूँ, पर अगर आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए लग्जा डर्म का जो ग्लव्स आता है और फीट के लिए जो हाइड्रेटिंग फीट का जो मास्क आता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा तो मैं डेफिनेटली उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, या कोई और रिव्यू चाहिए जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ओके तो मैंने ये लग्जा डर्म का एक्सफोलिएटिंग पीलिंग सॉक्स ओपन किया इस तरीके से, एंड इसके अंदर से गाइस कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक इस तरीके से के लिए मास्क मिलता है, मतलब पैरों में इस तरीके से सॉक्स जैसा कुछ मिलता है ऐसे इस तरीके से शेप में देखिए। एंड वहीं पे देखिए हैंड के लिए भी सेम आता है, पैर और हाथ के लिए भी ऐसे हाथ का शेप बना रहता है फिलहाल। ओके अभी चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। एंड देखिए इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमें दिया गया है कि पैरों को अच्छे से वॉश कर लीजिए, अच्छे से सोप से वॉश कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर से, मतलब गंदगी बेसिकली हमें निकाल लेनी है, इतने अच्छे से वॉश करना है। तो देखिए मैं अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ अपने पैरों को और सुखा के, मतलब पैर को अच्छे से पोंछने के बाद जो ये फीट का मास्क है पैरों में जो पहनने के लिए सॉक्स बोल सकते हैं दिया हुआ है, इसको इस तरीके से ओपन करना। ओपन करने के बाद आप देखेंगे दोनों ही पैरों के सॉक्स बेसिकली इसमें दिए हैं, पीलिंग सॉक्स, और इस तरीके से यहाँ पे ओपन करने के लिए बना है और पहनने के बाद इसको साइड में इस तरीके से कवर करने के लिए भी दिया हुआ है। सबसे पहले इसको जो जिगजैग बना हुआ है इसको साइड से इस तरीके से कट कर लेना है, अच्छे से कट करेंगे तो
इस तरीके से ओपन करेंगे तो आपको इसमें इस तरीके से देखिए ओपन हो रहा है, इसमें दो लेयर होंगी, अंदर काफी ज्यादा बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर होगा। इस तरीके से इसको पहन लेना है पैरों में। पहनने के बाद साइड में देखिए ये चिपकाने के लिए बना हुआ है। एंड अगर जैसे कि मेरा मैंने ओपन किया नहीं चिपक रहा था अच्छे से, तो मैंने क्या किया गाइस, इसमें ग्लू लगा होता है बेसिकली, अगर आपका नहीं चिपकता है मेरी तरह तो आप सेलो टेप से भी इसको चिपका सकते हैं साइड में, क्योंकि आपको थोड़ा लंबे टाइम तक वेयर करना होता है तो आप इसको सेलो टेप से भी टक इन कर सकते हैं, मतलब चिपका सकते हैं। इसी तरीके से दोनों पैरों में अच्छे से आप वेयर कर लीजिए, सेम कंडीशन है, कुछ नहीं करना, बस वेयर करना अच्छे से। देखिए गाइस यहां तक तो सारे स्टेप बहुत सिंपल बहुत आसान थे, इजिली मैंने वेयर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, पर आगे प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं और साथ साथ ही सावधानियां भी बरतनी होंगी। एंड देखिए अच्छे से वेयर कर लिया, पर मैं सेलो टेप लगाने वाली हूँ। एंड स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 2 घंटे हमें बेसिकली यहाँ पे रखना है, 60 to 120 मिनट। ओके, मैं 2 घंटे रखने वाली हूँ और देखिए 4:13 पर मैं लगा रही हूँ। डे भी देख लीजिएगा, मैंने 14 तारीख को वेयर किया। एंड गाइज वेयर करने के बाद चलने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि स्लिप करता है, लगा के सो जाइए ज्यादा बेहतर होगा, 2 घंटे बाद जग जाइएगा। एंड 2 घंटे बाद देखिए मैंने सेलो टेप भी लगाया था ब्लैक कलर का, क्योंकि नहीं हो रहा था सही से। अब मैं 2 घंटे बाद इसको ओपन करूंगी। ओपन करने के बाद कुछ मैजिक होने वाला है नहीं होने वाला भी देखेंगे। पहले दोनों पैक ओपन किया, अब साथ में हम ओपन करेंगे एक पैक करके। टाइमिंग देख लीजिए, मैंने यूज किया था 6:14 पे और वो कर रही हूँ, ओपन कर रही हूँ 6:26 पर। ओके, अब हम साइड करेंगे और अच्छे से दोनों पैरों का, सबसे पहले जो हमारा ग्लव्स है, पीलिंग एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स है, उसको निकालेंगे। और देखिए लग रहा है थोड़ा हाइड्रेटिंग लग रहा है पैर पर, गंदगी कुछ ज्यादा नहीं गई है। एंड वैसा क्या वैसा में पैर लग रहा है, थोड़ा हाइड्रेटिंग तो लग ही रहा है नो डाउट, और आप देख सकते हैं गंदगी रेड स्किन सब वैसा है, पील भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। इसी तरीके से हम दोनों पैरों का निकालेंगे और दोनों पैरों में चेक करेंगे कुछ असर दिखा कि नहीं दिखा। पर ऑनेस्टली गाइस कुछ भी नहीं असर दिखा था, मैंने आगे पीछे अच्छे से देखा, इवन जो हील बहुत ज्यादा क्रैक हुई थी उसको भी देखा, कुछ नहीं हुआ था। बस थोड़ा सा हाइड्रेटिंग लग रहा था, थोड़ा ज्यादा हाइड्रेटिंग लग रहा था, मतलब हाइड्रेटिंग लग रहा था, हाइड्रेट हुआ है, पर सब कुछ वैसा ही था एज इट इज, जैसा कि मैंने वेयर सॉक्स वेयर किया था उस समय था। पर स्किन पे मतलब थोड़ा स्मूथ और सॉफ्ट लग रहा था और थोड़ा हाइड्रेटिंग भी लग रहा था। ओके, सॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें इसे वॉश करना होता है, नॉर्मल वाटर से इसको वॉश करना जरूरी होता है, जरूर से जरूर याद से वॉश कर लीजिएगा। ओके, अभी देखिए इसके अंदर मॉइस्चर है थोड़ा, चाहे दूसरे पैर में यूज कर सकते हैं पर शायद उतने अच्छे से वर्क ना करे क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं था। एंड देखिए जब मैंने सॉक्स पहना था, देखिए जो नेल पेंट है कितना सॉफ्ट हो गया था पैर भी, जब नेल पेंट सॉफ्ट हो गया तो पैर डेफिनेटली सॉफ्ट लगेगा ही ना। तो बस ऐसा ही फील हो रहा था और कुछ नहीं। अब चलते हैं, कुछ टाइम बाद वेट करते हैं, देखिए कुछ दिनों बाद रिजल्ट कुछ ऐसा आया। और कितने दिन बाद रिजल्ट आया मैं आपको बता दूं, मैंने 14 सितंबर को लगाया था 14 तारीख को, एंड ये 19 तारीख को मतलब 5 दिन बाद मुझे थोड़ा सा पीलिंग होता हुआ यहाँ पे देखिए वहाँ पे 19 तारीख दिखाई दे रहा ना आपको, बस 19 सितंबर को एक्चुअली ये रिजल्ट मुझे पहली बार इतना सा दिखा था। बताऊंगा इसमें थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई थी कि नहीं पील होगा, नहीं वर्क करेगा, पर जब इसने वर्क करना शुरू किया ना, तो पहला तो मुझे ये फर्स्ट डे इस तरीके से दिखा, थोड़ा सा होप जगी कि यस ये वर्क कर रहा है, पर थोड़ा दिखा, फिर भी मैं बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं थी, थोड़ा डिसअपॉइंट थी। पर गाइस देखिए जो स्किन थी काफी सॉफ्ट और काफी ब्यूटीफुल, और एक शेड मुझे लाइटर, मतलब मेरा डार्क स्किन थी तो 1 शेड लाइटर मुझे अपनी स्किन पील होती हुई दिख रही थी, और डेड स्किन एज इट इज थी। नंगे पैर मैं अभी भी चली रही थी, चप्पल नहीं वेयर कर रही थी, घर में मैं नंगे पैर ही चलती हूँ। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब एक ही पैर में दिखाई दिया, दूसरे पैर में नहीं था। उसके बाद कम से कम 3-4 दिन बाद फिर मुझको ये कुछ ऐसा दिखाई दिया, तो मेरे सांस में सांस आए कि हाँ एक्चुअल में ये वर्क करना शुरू कर रहा है। थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम लेता है, डिपेंड करता है आपके स्किन के ऊपर। काफी लोग को जल्दी रिजल्ट आता है, काफी लोग का काफी टाइम बाद। मुझे सबसे पहला 5वें दिन, उसके बाद 6-7वें दिन मुझे इस तरीके से कुछ पील होता हुआ दिखाई दिया। एंड अभी भी ये एक ही पैर में हो रहा था, मतलब आप देख सकते हैं मैं ऊपर से लेकर नीचे तक दिखा रही हूँ, और हील पे भी शुरू हो गया था यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हील पे भी शुरू हो गया था। थोड़ा अच्छा लग रहा था कि मतलब शायद ये होगा, थोड़ा लेट होगा पर ये शायद होना शुरू हो जाएगा ये। एंड यहाँ देखिए फिंगर्स में एक्चुअली इसने सबसे पहले शुरू किया, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अपने हाथ से पील मत करिए, इसको समय दीजिए, खुद ब खुद पील होगा। आप चाहे तो साबुन वाबुन यूज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी
इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अपने हाथों से इस तरीके से पील मत करिए। कभी कभी स्किन जो है वो अगर इस तरीके से खींचेंगे तो दर्द भी होता है और सॉफ्ट स्किन निकलती है तो और भी पेनफुल हो जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि अपने हाथों से स्किन को पील मत करिए, खींच खींच के मत निकालिए जैसे कि मैंने पहले बताया। अब दूसरे पैर में मुझे यहाँ पे नेक्स्ट डे कुछ इस तरीके से पीलिंग और भी जगहों पे स्टार्ट होना लग रहा था कि स्टार्ट हो गई है। जो डेड स्किन है वो निकल रही थी और अंदर की जो स्किन वन शेडर लाइटर आ रही थी। एंड पैरों के ऊपर की बात करें तो वहाँ की स्किन अभी बिल्कुल पील होना स्टार्ट नहीं हुई थी। 6 दिन ऑलमोस्ट हो चुके थे यहाँ पर यूज किए हुए एंड यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं रिजल्ट दिखाई दे रहा था। एंड उसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखा कि करीब करीब 1.5 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद यहाँ पे देखिए स्किन कितना साइड से अच्छे से निकल रही है। एंड अभी भी मैं नंगे पैर ही चल रही थी, बहुत कम स्लीपर का इस्तेमाल कर रही, देखना चाहती थी कि स्किन कैसी आती है एक्चुअली। एंड यहाँ पे देखिए दोनों पैरों में अब पीलिंग काफी मतलब हद तक शुरू हो गई एंड हर जगह से स्किन पील हो रहा था और इस तरीके से चमड़ी पूरी निकल रही थी। आप देख सकते हैं जिसको देखने पे ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा स्नेक अपना स्किन छोड़ रहा है, मतलब कीचड़े निकल रहे हैं। और कुछ 20 दिन बाद आप गाइस यहाँ देख सकते हैं कितना ज्यादा, मतलब कि करीब करीब 65% यहाँ पे स्किन मेरी पील हो चुकी थी हील की नीचे। और जो नई स्किन आ रही थी वो कमाल की आ रही थी गाइस, सही बता रही हूँ। 1 या 2 शेड लाइटर एंड यहाँ पे जो स्किन पील हो रही और जो जितनी भी डेड स्किन थी वो बिल्कुल गंदी स्किन थी, डेड स्किन थी वो निकल रही थी। पर हमेशा ध्यान रखिए खुद से बिल्कुल भी स्किन को पील मत करिए, बहुत पेनफुल होता है। मैंने थोड़ा कहीं पे निकाला था तो मुझे पेन हो रहा था, तो इसको ऐसे ही रहने दे। मॉइस्चराइजिंग क्रीम इस्तेमाल करें, जल्दी निकलता है, सॉफ्टली निकलता है। एंड अब यहाँ पे देखिए 2 हफ्ते बाद ऊपर की स्किन भी पील होना शुरू हो रही थी थोड़ा थोड़ा, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखिए दिख जाएगा। एंड देखिए स्किन तो पील हो ही रही है और मुझे अच्छा भी लग रहा है, पर थोड़ा गंदा लग रहा था कि बहुत जगह ये सारी चीजें गिर रही पूरे घर में। मैंने ऐसे अपनी स्किन, अपने जो जैसे स्नेक की स्किन निकलती है ना, जैसे लग रहा कि हमारी जो स्किन है वो स्नेक की तरह निकल रही है और इधर उधर मैं गिरा रही हूँ। थोड़ा गंदा भी लगा, स्पॉट डांट पड़ी थी मुझे, पूरा गंदा मैंने कर दिया था सोफा वोफा हर। फिलहाल देखिए कितने हद तक स्किन मेरी निकल चुकी है एंड केचली मैंने छोड़ दी है, मेरे नीचे के पैर ने केचली को छोड़ दिया। अगर आपको पता है केचली क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फिलहाल अब देखिए ऊपर की भी स्किन काफी हद तक निकल गई है, देख रहे हैं यहाँ पे दूसरे पैरों कितनी ज्यादा निकल गई है स्किन। ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं बोलूँ तो 18 से 20 दिन 20-21 दिन हो चुका है और इस तरीके से इतना नीचे का बस ये एडियो पे रह गया है और पूरा नीचे का ऑलमोस्ट निकल चुका है। अब ऊपर का यहाँ पे 50% हो चुका है, 40% तो हो चुका है और बाकी 60% रह गया, वो भी धीरे धीरे यहाँ पे देख रहे हैं आप निकल रहा है। और इसपे भी 1 या 2 शेड बोले लाइट हो रही है मेरी स्किन एंड ये मैं खुद फील, मतलब कैमरे में उतने अच्छे से नहीं दिखा सकती जितना कि हमारी आंखें देख सकती हैं। सीरियसली बता रही हूँ गाइस, काफी मजा आ रहा था मुझे ये करने में। पर मैं सही बताऊँ गाइस, ऑलमोस्ट 1 मंथ इन सारे प्रोसेस में लग गया था, मतलब पहनने से लेकर के सारी स्किन पूरे पैर की स्किन पील होने तक, मतलब सॉफ्ट स्किन आने तक ऑलमोस्ट 1 मंथ यहाँ पे लग गया था। एंड उसके बाद जो स्किन आई वो इस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ पे रह गया था 1 महीने के अंदर, मतलब करीब करीब मेरा 29 डेज हो गए थे और ऐसी स्किन हो गई थी मेरी बिल्कुल सॉफ्ट और बेहतरीन। और रिजल्ट आने के बाद मैं जितनी तारीफ करूं इस प्रोडक्ट का उतना कम है, कमाल का रिजल्ट दिया 1 महीने में। आप मैनीक्योर पेडिक्योर कराते हैं उससे काफी बेहतरीन रिजल्ट है, उससे कम प्राइस में और इफेक्टिव बहुत ज्यादा। और हाँ, जितनी भी गर्ल्स शादी जिनकी होने वाली है वो जरूर ट्राई करें, उनको किसी और मैनीक्योर पेडिक्योर की जरूरत नहीं, किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आपका बेबी स्किन ऐसा ही मिल जाएगा। और अगर मैं सावधानी की बात करूं तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको यूज करने के बाद थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको पील नहीं करना, खुद से उखाड़ना नहीं, स्किन टाइम देना है, धीरे धीरे पील होगा। अपने स्किन को हाइड्रेट रखिए, मॉइस्चराइज रखिए अच्छे से, आपकी स्किन जल्दी पील हो जाएगी, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ दोबारा उस पीलिंग सॉक्स का इस्तेमाल मत करिएगा, वो अब यूजलेस हो चुका है, उसको थ्रो आउट कर दीजिएगा, फेंक दीजिएगा, एक बार ही वन टाइम यूज करना है बस। देखिए यहाँ से हमारी स्किन कैसे बेहतरीन और सुंदर इस तरीके से यहाँ पे हुई है। होप कि आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा सारी वुमेन्स के साथ, क्योंकि वुमेन्स के पैड फटते हैं, गर्ल्स के भी पैड फटते हैं, तो सभी के साथ शेयर करिएगा। और बॉयज़ के साथ शेयर करना तो बॉयज़ के साथ शेयर करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप शेयर कर सकते हैं। तो होप आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। और हाँ, कोई और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का रिव्यू आपको चाहिए। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।